धर्म की नगरी से फिल्मी दुनिया तक, अपराध की दास्तानों से राजनीतिक हलचल तक, प्रदेश की तमाम खबर तह तक, इंडिया पोस्ट न्यूज, जज्बा सच दिखाने का। वांछित चल रहे युवक की संदिग्ध अवस्था में आग से झुलसकर उपचार के दौरान हुई मौत। इटावा पुलिस एवं कानपुर देहात पुलिस की दबिश के दौरान कई मामलों में वांछित चल रहे युवक की संदिग्ध अवस्था में आग से झुलसकर उपचार के दौरान हुई मौत। वहीं मरने से पहले युवक के द्वारा मीडिया को दिए गए बयान में पुलिस पर लगाए सनसनीखेज आरोप, कहा पुलिस ने पेट्रोल डालकर लगाई थी आग। वहीं पुलिस का कहना है युवक ने खुद गिरफ्तारी से बचने के लिए आग लगाई थी। वहीं पुलिस ने आरोपी के मरने के बाद भी युवक पर पुलिस कार्य में बाधा डालने जैसे आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। इटावा दो दिन पहले बकेवर थाने के अंतर्गत महेवा में कई मामलों में वांछित चल रहा आरोपी युवक, जिस पर कानपुर देहात के सिकंदरा में कई मामले दर्ज हैं, जिसकी गिरफ्तारी के लिए आई कानपुर देहात की पुलिस के साथ इटावा पुलिस जब आरोपी पुष्पेंद्र दोहरे को पकड़ने जाती है, तभी आरोपी युवक आग की लपटों में घिरा हुआ निकलता है। वांछित युवक पुष्पेंद्र को घायल अवस्था में पुलिस उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजती है, जहाँ युवक की हालत को देखते हुए मेडिकल के लिए सफेर मेडिकल रिफर कर दिया जाता है। उपचार के दौरान युवक की मौत हो जाती है। वांछित व्यक्ति के मरने के बाद मृतक के ऊपर दर्ज कर दिया इटावा पुलिस ने मुकदमा। मरने से पहले घायल व्यक्ति ने पुलिस के द्वारा जलाने का लगाया था आरोप। पुलिस ने कहा मृतक ने खुद डाला ज्वलनशील पदार्थ, जिसको बुझाने में पुलिसकर्मी भी हुए थे घायल। जिसके बाद इस घटना के बाद इटावा SSP आकाश तोमर ने भी जाकर मौके की जांच पड़ताल की, लेकिन जिस तरह मरने से पहले आरोपी पुष्पेंद्र ने पुलिस पर जलाने का आरोप लगाया है, उससे कहीं ना कहीं पुलिस सवालों के घेरे में है। इटावा से मोहम्मद अजहर आदिल की रिपोर्ट। कोई मामला है? किसने? पुलिस वालों ने। तो कहते हैं हम क्या जला दिया। कहाँ की पुलिस थी? महिला चौकी की। और वोट जिसने पेट्रोल डाला वो कहाँ की पुलिस थी? अब वोट तो नहीं मालूम, मतलब कहाँ की थी, महिला चौकी की थी और सिकंदरा की थी। दोनों जगह की पुलिस आई और पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी। स्कूल में लेटे हुए थे। बचने के लिए उसने, मुकदमों से बचने के लिए उसने ये करने का प्रयास किया है। अभी SPRA द्वारा और बाकी अधिकारियों द्वारा मौके पर जाके जांच की जा रही है। जांच के बाद पूरी स्थिति क्लियर हो जाएगी। तो जैसा कि जानकारी मिली कि वहां पर कैप्टन चार्ज भी घायल हुए हैं, या स्काई घायल हुए हैं, देखिए उस व्यक्ति को आग क्योंकि उसने अपने ऊपर लगा ली थी, तो उसको बुझाने के चक्कर में पुलिस द्वारा उस आग को बुझाया गया है। तो थोड़ी बहुत जो पुलिसकर्मी भी उसको बुझाने के चक्कर में उनको थोड़ी आग से जल गए हैं वो लोग।